हरे कृष्णा। ध्यान से सुनिए, जैसे कल हमने चर्चा किया कि भगवान कृष्ण ने कहा, मन्मना भव माद भक्तो मध्य जी माम नमाज करो, मामे वैशेषी सत्यम ते प्रतिजने प्रियोसि में। इसका अर्थ है कि हमेशा मेरा स्मरण करो, सदैव भगवान का स्मरण करना है। बाबा मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, कृष्ण की भक्ति, कृष्णा के भक्त बना है, उनकी पूजा करना। यजी यजन, यजन मतलब पूजा करना, तो उनकी पूजा करना है। और नमस्कुरु, भगवान को दंडवत प्रणाम करना है, नमस्कार। तो ये चार चीज उन्होंने कहा करने के लिए, हमेशा उनका स्मरण करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनको धन्यवाद प्रणाम नमस्कार करना। तो हम सब जानते हैं, ये तो सरल बात है, चार चीज करना। परंतु हमारा मन बहुत चंचल है। अगर हम बोलते हैं कि आप सदैव भगवान का ध्यान करो, उनका स्मरण करो, आसान है, आसान है ये कठिन है? आप बोलिए। हमेशा भगवान को याद करना, ये आसान है ये कठिन है? वास्तव में बहुत आसान है, परंतु कठिन है। ऐसा क्यों, किस प्रकार? कोई बड़ी बात नहीं है स्मरण करना, लेकिन कठिन ये है कि हमारा मन इतना चंचल है, इतना घूमते रहते हैं इधर उधर, और अंदर हमारे मन में इतना अलग अलग इच्छा है, अनार्थ है, इतना मोह है। क्या क्या है हमारे मन में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये छह शत्रु हैं अंदर में। काम वासना, क्रोध, गुस्सा आता है, लोभ है, और करना, और प्राप्त करना, और प्राप्त करना, और मोह, इसके वजह से हम पूरी तरफ से मोह में। मन, इस जब हम मोह में है, हम पागल जैसे व्यवहार कर रहे हैं। और ईर्ष्या, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, द्वेष, इसके वजह से हम दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं और हम खुद परेशान है उसके वजह से। तो इसीलिए हम भगवान को याद नहीं कर सकते। भगवान हमारे पास भी, अगर भगवान सामने हमारे पास उपस्थित रहेंगे, और है भगवान सब जगह में है अभी भी, परंतु इस अलग अलग अनाथ के वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो क्या करना, कैसे करना? सब लोग जानते कि दिल साफ होना चाहिए, शुद्ध। तो साफ करने का तरीका क्या है? वही है जो हम कर रहे हैं अभी। सुबह से ही हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और ये जो भगवान ने आज्ञा दी है गीता में, वो ही हम पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनने बोला कि मेरी पूजा करो, तो सुबह हम उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले जब हम आते भगवान के सामने, हम प्रणाम देते, बार बार प्रणाम दिया। कितनी बार हम प्रणाम दिया आज? कहीं कुछ और भी करना चाहिए, बारम्बार करना चाहिए, फिर भी हम कुछ किया, तब हम आ गया किया, कीर्तन के बाद हम किया, बाद में दोबारा नरसिंह स्तुति हम किया, तुलसी हम किया, गुरु पूजा, बार बार हम प्रणाम दिए। तो इस प्रकार जब हम भगवान के सामने आते हैं, भगवान के मंदिर में, हमेशा प्रणाम करना चाहिए, और जाने का समय भी, और भगवान का पर्दा बंद हो गया तो प्रणाम देना, खुल गया तो दोबारा प्रणाम देना, बारम्बार प्रणाम। प्रणाम मतलब जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, कि हम नमस, मैं नहीं हूं, मैं बाड़ा नहीं हूं, आप ही भगवान, आप बड़े हैं। हम भगवान के पास जब हम आते हैं, हम छोटे हैं, हम चुट तुच्छ हैं। वास्तव में ये हमारा स्वाभाविक परिस्थिति है कि हम तुच्छ जीवात्मा है, परंतु मिथ्या अहंकार के वजह से हम सोचते कि मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। गीता में भगवान ने इसके बारे में
अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि प्रकृते क्रियमान अनि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकरा विमुधात्मा कर्ता हम इति मान्यते। इस संसार में तीन गुण सात्वर राजस और तामस, इस तीन गुणों से सब कुछ चल रहा है प्रकृति के अंदर। और प्रकृति के स्वामी है मायाध्यक्ष न प्रकृति, भगवान स्वयं ये दुर्गा मोह माया के स्वामी है। उनकी भगवान के अध्यक्ष के अंदर में मोह माया कार्य करते हैं, परंतु इस मोह माया के अंदर में जो विमुद आत्मा, भगवान ने कहा मूर्ख आत्मा, मुधा, मुधा मतलब गदा, जो मुदा है, जो मूर्ख आत्मा है मोह माया में, वो सोचते कि मैं ही करता हूं सब कुछ, मैं बड़ा हूं, ये मेरा घर है, मेरा जमीन है, ये मेरा गाड़ी है, मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, मेरा देश है, और मैं उसका भोग करूंगा और मैं काम करता हूं, बहुत मेहनत में नहीं कर रहा हूं, इसीलिए ये सब काम चल रहा है, इसीलिए परिवार का पालन चल रहा है। तो भगवान ने कहा विबुद आत्मा, ये मूर्ख आत्मा ऐसे सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते बिना भगवान की कृपा से। तो ये इसके वजह से गांव में भी बहुत जागरण हो रहा है, नहीं हर एक गांव में जागरण हो रहा है कि यहां ये मेरा जमीन, और दूसरे व्यक्ति बोले नहीं मेरा, यहां तक मेरा है, ये वृक्ष मेरा जमीन पर है, नहीं दूसरे बोले नहीं मेरे जमीन पर है। तो उस तोरा जमीन के लिए बहुत जागरण करते, बहुत सालों से जागरण करते, ऐसा है दीवार बना, नहीं यहाँ ये मेरा है, ये रास्ता मेरा है, यहां नहीं जाना है। इस प्रकार जागरण करते हैं, बार बार जागरण करते हैं। तो कोई भी तोरा तोरा मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो तुरंत कोई कारण बनाते और जागरण करते हैं। और डांटते और क्या करते हैं, बहुत कुछ क्या, ये ईर्ष्या है अंदर में, द्वेष कि उनके व्यक्ति उनके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, तो हमने कुछ कारण बनाया कि नहीं उनको दबाना है नीचे, मैं ही बड़ा हूं, कुछ कुछ ना कुछ करना है। तो जागरण हो रहा है, तो जागरण के वजह से लोग संतुष्ट है क्या, आनंद आते हैं जब गुस्सा करते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है अंदर में, इसीलिए ये कर रहे हैं, सुख के लिए प्रयास कर रहे व्यक्ति, तो देख रहे कि दूसरे व्यक्ति लग रहे कि वो उनके पास ज्यादा सुख है, उसको दबाना है कि कम से कम अगर मैं सुखी नहीं हो सकता हूं तो दूसरे व्यक्ति को भी सुख नहीं देना है, उनको भी परेशान होना चाहिए, ये लोगों का विचार है। ये मोह माया में जो मूर्ख आत्मा है ऐसा सोच रहे, तो एक दूसरे को परेशान करते हैं पूरा जीवन और बाद में मर जाते, दोबारा जन्म जब लेते ऐसा कुत्ता के शरीर में जन्म लेते, कुत्ता बिल्ली चूहा, हो सकते कि एक ही गांव में, परंतु अभी योनि अलग है। और कुत्ते क्या करते, वही करते, वो सोचते कि ये मेरा खांड है, मेरा जगह ये है, यहां तक, तो कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो झगड़ा करेंगे, यहां मत आओ, युद्ध करेंगे, तो वही कुत्ते करते। तो अगर मनुष्य भी ऐसा करते हैं तो हम कुत्ते के समान है, तो अगले जन्म कुत्ता का शरीर मिलेगा, और तब देखिए कुत्ते कहां बाहर सोते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, इतना अच्छा नहीं है जीवन कुत्ते का। तो इसीलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम मनुष्य है तो एक मनुष्यों के अंदर में एक सुविधा ने भगवान दिया, बहुत सारे लाभ दिया भगवान जो हम कर सकते, समधम तपक्षम क्षंतिर आर्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्राह्म कर्म स्वभावचम। वास्तव में ये ब्राह्मणों के गुण है जो होना चाहिए, परंतु सारे लोगों के अंदर में ये गुण का उत्पन्न होना चाहिए, सम शांत होना चाहिए, दामा इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, इंद्रियों और मन
वास में रखना चाहिए, तपस्या करना। जैसे अभी हम सुबह उठ गया, स्नान करके ये कर रहे, ये तपस्या है, तो ये तपस्या भी करना चाहिए। और जब हम ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब लोगों को अंदर में धोखा देने का प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। लोगों को मेरा स्वार्थ के लिए हम धोखा दे रहे, लोगों को नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, कम से कम बेसिक ज्ञान होना चाहिए आत्मा के बारे में, हम आत्मा है भगवान के बारे में। विज्ञानम, इसका अर्थ है कि ज्ञान जो हम प्राप्त किया गीता से, उसको हमें अभ्यास करना चाहिए जीवन में। और आस्तिक्य, अस्तित्व, भगवान की अस्तित्व है। नास्तिक मतलब जो ना अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व नहीं मानते, और आस्तिक मतलब हाँ भगवान को मानते हैं। तो ये ऐसा गुण का उत्पन्न होना चाहिए हमारे जीवन में, प्रयास होना चाहिए। गुस्सा अगर आ रहे दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो अंदर से सहन करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है कि हम क्षमा कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया हमारे साथ, गलती भी किया गलत तरीके से, फिर भी क्षमा करना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे तो हमारे साथ दूसरे लोग भी क्षमा नहीं करेंगे, और भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का तपस्या है क्षमा करना, क्योंकि अंदर से गुस्सा आता है दूसरे लोगों के प्रति, तब बुद्धि उपयोग करना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, ये भगवान की कृपा है। सारे चीजों में जो हमारे जीवन में कुछ भी गलती चल रहा है, दुख चल रहा है, हमेशा देखना चाहिए कि ये भगवान का हाथ है। यहाँ सारे चीजों में भगवान का हाथ देखना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ, क्योंकि हम गलती किया, मेरा गलती, मैंने पाप किया, इसीलिए मैं दुखी हूं अभी। तो इसको सहन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि मुझे और ज्यादा दुख आने वाला था, परंतु भगवान ने बहुत कम कर दिया। ऐसे विचार करना है, तब गांव में कोई समस्या नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, पूरा गांव एक परिवार जैसे होगा। ऐसे होना चाहिए, पूरा गांव, सारे गांव एक परिवार जैसे होना चाहिए, सब लोग भाई हैं। और ऐसे था पहले, सब लोग अभी भी बोलते भाई, ये मेरा भाई, हम गांव में आते और लोग आते हैं, ये भाई है, ये भाई है, ये अंकल है। तो मैं बोला आपके पास इतना सारे भाई है, नहीं ये गांव का भाई, रियल भाई नहीं है, गांव का है। तो इस प्रकार लोगों के अंदर में ये भावना है कि भावना होना चाहिए कि सारे लोग, सारे पुरुष जो है मेरा भाई है, मेरा पिता है, और सारे जो स्त्री है ये मेरी माँ है, नहीं सबको माँ देखना, सारे स्त्रियों को माँ देखना चाहिए, और इस प्रकार माता जी बोलना है और उनको आधार करना है। तो इस प्रकार कोई समस्या नहीं होगा। तो कि ये नहीं होगा कि ये वास्तव में हम कर पाएंगे, तो क्या करना है, ये उपाय है जो अभी हम बात किया, भगवान का स्मरण करने से, उनकी पूजा करने से, और भगवान को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी भक्ति करने से, हम एक दूसरे को भाई देख पाएंगे, हम एक दूसरे को ईर्ष्या नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो अनार्थ है अंदर में, तो उसको नहीं रोक सकते अपने आप, केवल भगवान की कृपा से। इसीलिए हम सारे लोगों के जीवन में, सबके जीवन में भगवान मुख्य केंद्र होना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कैसे भगवान को संतुष्ट करना। और भगवान ने कहा क्या करना, उनका स्मरण करना, उनको पूजा करना, ऐसे जैसे हम बात कर। इसीलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, ये और इतना सरल है कि सब लोग कर सकते हैं। हो सकते कि यहाँ सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, कई कई बार ऐसे गांव में है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो सब लोग बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, है कि नहीं।
कोई कठिन नहीं। और अगर आप दिल से हरे कृष्णा जप कर रहे हैं तो हाँ हो सकते कि आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप दिल से हरे कृष्णा हरे राम ये मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान संतुष्ट होंगे। और अगर भगवान संतुष्ट है तब अंदर में हमारा जो चेतना है, दिल है, जो अभी बहुत गंदा है, वानन है, चेतो दर्पण मान जनम, ये हमारा दिल जो है वो दर्पण जैसे है, दर्पण आईना, मिरर, आईना बोलते शीशा, तो उसमें हम अपने चेहरा देखते हैं कि अच्छा है, साफ है, ये सब ठीक, ऐसे देखते हैं, परंतु अगर वो गंदा है तो तब हम नहीं देख पाते, दिखा नहीं दे रहे। तो इस प्रकार अभी हमारा चेतना गंदा है, काम क्रोध लोभ और इत्यादि इसके वजह से, इसलिए हम नहीं समझ पाते कि मैं आत्मा हूं, इसलिए अंदर में ईर्ष्या और ये सब है और हम परेशान। परंतु जब हम हरे कृष्णा मंत्र को जप कर रहे हैं तब चेतो दर्पणम मार्जनम, ये जो चेतना है उसका मार्जन हो रहा है, मार्जन मतलब सफाई। इसीलिए जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हरे कृष्णा जप करने के बाद आपको कैसे लगा, तो अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि सफाई हो रहा है अंदर में। जैसे अगर आपका घर बहुत गंदा है, इधर उधर कचरा है, जैसे यहाँ कई बार ये सब कचरा आता है बाद में, मतलब उस समय जब सब कुछ गंदा है तो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं, जब झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, ये पानी ऐसे फेंक देते और झाड़ू लगाते, उसके बाद अच्छा लग रहा है। हाँ, इस प्रकार हमारा दिल गंदा है, जब हम हरे कृष्णा जप कर रहे हैं ये साफ हो रहा है अंदर में, इसलिए अच्छा लग रहा है और हम वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक बात है, अगर आपका घर हर दिन सफाई नहीं करेंगे क्या होगा? एक बार पूरी तरफ से साफ किया उसके बाद दोबारा साफ नहीं किया तो क्या होगा? दोबारा फिर गंदा होगा। इसलिए हर दिन सफाई करना है। मैं देख रहा हूं आप लोग सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं पूरा पूरा। तो इस प्रकार दिल साफ रखने के लिए हर दिन हरे कृष्णा जप करना चाहिए, एवरी डे, हर दिन, तब हमारा दिल साफ रहेगा, तब समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारे पास माला है और आपने माला में किया भी ये हरे कृष्ण मंत्र, तो ये इस माला में जाप करना चाहिए। अभी लोग पूछेंगे और पूछते बारंबार कि माला में क्यों करना, हम तो ऐसे भी बोल सकते। सही है कि ये मंत्र कहीं भी और कभी भी बोल सकते, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, कि कोई विशेष समय नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान, देश कला पत्र, ये सब जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आप कौन है, आप स्त्री है, ये पुरुष है, बच्चा है, आप हो सकते कि आप हिंदू है और हो सकते कि आप हिंदू नहीं है, जैसे हम हिंदू नहीं है जन्म से, फिर भी हम हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। ये नियम है कि सबको, सारे लोगों को कर सके, कोई भेदभाव नहीं है, उच्च जाति नीच जाति कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग ये मंत्र जप कर सकते। तो और विशेष समय नहीं है तो कभी भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते। मान लीजिए कि आप खेत में काम करते हैं, आप लोग खेत में काम करते हैं ज्यादा ना, तो खेत में क्या करते हैं? खेत में क्या करते हैं? हाँ, क्या क्या काम करते हैं? काम करते हैं कि किस प्रकार? आलू लगाते हैं, ऐसे करते हैं, किसको क्या बोलते हैं? खुदाई करते हैं, दान डालते हैं, दान और बाद में कटाई। तो देखिए ये सारे काम जो आप करते हैं और बाद में दूध दुहन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं घर पे, सब्जी काटते हैं, लकड़ी करते हैं और चूल्हा जलाते हैं, कुकिंग करते हैं माता जी लोग, नहीं बहुत सारे काम है।
परंतु ये सारे काम जो आप करते हैं, आप हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बार बार बोल सकते, कोई कुछ भी आप करते हैं अपने हाथों से, तो बार बार ये मंत्र जप करना है, कीर्तन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु एक समस्या ये है कि जब हम काम करते हैं उसमें थोड़ा ये है कि हम ध्यान नहीं दे पाते पूरी तरफ से, इसलिए दिन में थोड़ा समय निकालना चाहिए और माला में हरे कृष्ण जप करना, उसमें पूरी तरफ से मन केंद्रित होना चाहिए ये इसी मात्रा में, इसीलिए माला है। देख, हम देख रहे कि शिव जी महादेव उनके हाथ में भी माला है, सारे देवतों के पास माला है, और क्यों? क्योंकि सारे देवता भगवान का नाम जाप करते हैं। तो यहां समझना चाहिए कि देवी देवता स्वयं भगवान नहीं है, देवी देवता सारे देवी देवता भगवान के भक्त है, इसीलिए माला करते हैं। और कृष्णा के पास भी माला है वास्तव में, परंतु कृष्णा क्या करते, कृष्णा गोपाल है, और कृष्णा जब गो गाय के साथ जाते हैं बाहर जंगल में वन में गाय को पालन करते हैं, तो तब गाय जब वापस आते हैं, क्योंकि लाखों लाखों 9 लाख गाय है नंद महाराज के घर पे, तो कि सारे गाय संख्या सही है तो संख्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं कि ये गाय है ये, तो गाय के नाम जप करते हैं कृष्ण, जप नहीं करते, वो काउंटर है कि कितने बार हम हरे कृष्ण जप किया। तो इस प्रकार भगवान संख्या करते हैं, गिनती, क्या बोलते हैं, गिनती करते हैं, गिनती करते हैं कि सारे गाय आ गया, संख्या सही है कि नहीं, ऐसा है, इसीलिए उनके पास माला है। तो हमारे पास इसलिए माला है और देवतों के पास इसलिए कि भगवान का नाम जाप करना। तो इस प्रकार हर दिन एक संकल्प रखना चाहिए कि हर दिन हम इतनी बार ये मंत्र बोलेंगे, तो तब हमारा ये हमें मदद करेगा कि हमारा मन स्थिर हो जाएंगे इस मंत्र में। मंत्र का अर्थ है मंत्र, मन त्रायते, तो मन बहुत चंचल है, बहुत परेशान हम है, मन में बहुत टेंशन आता है, परंतु अगर हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से, त्रायते मतलब मन को साफ करना, मन को मुक्ति देना, तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं तब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मन मुक्त हो जाते हैं भौतिक आसक्तियों से। और तो इस प्रकार ये एक संकल्प देना चाहिए कि हर दिन हम एक माला करेंगे, दो माला करेंगे, तब हम फिक्स मतलब निश्चित होगा। और मन भी देखिए, जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं मन इधर उधर भागते रहते हैं, परंतु जब हमारे घर अगर हमारे हाथ में माला नहीं है तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे, हम आगे माला नहीं करेंगे, हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि ये हरे कृष्ण बोलना है। परंतु जब हम बैठ के जप करते हैं माला में, अगर मन भी चले गया थोड़ा इधर उधर, तो फिर भी याद है कि अभी मेरा माला पूरी नहीं हुआ, तो इसलिए मन वापस खींचना है और दोबारा मन मंत्र पर स्थिर करना है। तो ये लाभ है माला करने में, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये मंत्र हरे कृष्ण मंत्र बहुत ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो तब उसका असीमित लाभ है। और ये मंत्र ने ब्राह्मण जी नारद को दिया, कलि संतरण उपनिषद में वर्णन है कि वास्तव में उस समय ब्रह्मा मतलब नारद ने देखा कि कलि युग आने वाला है, इसीलिए सभी लोग परेशान होंगे पाप करने से। तो उन्होंने विचार किया कि लोगों को कैसे कैसे कल्याण होगा, कैसे लाभ होगा, कैसे लोगों का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने जिज्ञासा किया अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से, पिताजी और गुरु भी हैं उनके ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने समझाया कि इति षोडश काम नाम नाम कली कलमश नाशनम नतः परतरो कयात् सार्ववेदेषु दृश्यते। उन्होंने कहा कि पूरा वेदों में सार्ववेदेषु दृश्यते, पूरा वेदों में इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। षोडश काम नाम नाम काल मतलब
16 शब्दों का मंत्र जो है काली कर्म सनासन, ये ही मंत्र काली युग में जो कर्मश है, पाप है और पाप का परिणाम है, उसको नाश करेगा। पाप नाश हो जाते अगर हम हरे कृष्णा जाप करते। ध्यान से सुनिए, तो अगर आपने कुछ पाप किया जीवन में कभी, अभी दोबारा नहीं करना, ऑफ कोर्स पाप तो नहीं करना, लेकिन हो जाता है काली युग में, तो अगर हरे कृष्णा जाप हम करते हैं तो ये सब साफ हो रहा है, और पाप करने का जो इच्छा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये हम आज शाम को मैं और भी विस्तार चर्चा करेंगे जब सब लोग आएंगे। तो इसीलिए महामंत्र, सारे मंत्र देवांतों के मंत्र और सारे मंत्र इसी मंत्र में सम्मिलित है, इसीलिए अलग से कुछ करना जरूरत नहीं है, यही मुख्य मंत्र है। ये मंत्र जप करने से हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, तो ये मुख्य लाभ नहीं है। मुख्य लाभ है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के प्रति भाव और प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और उसके वजह से हम भगवान के पास जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर में प्रेम नहीं है भगवान के लिए, तब तक हम यहां रहेंगे इस संसार में, पुनर्जन्म लेंगे। भगवान के पास जाने के लिए उनके लिए प्रेम होना चाहिए, पूरा आसक्ति भगवान के लिए, तो और ये भौतिक आसक्ति त्याग होना चाहिए। तो ये संभव है केवल ये मंत्र जप करने से। बोलो केरा प्रेम दाना हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम संकीर्तन मंत्र वो गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं, भगवान के धाम से प्रेम प्रेम देने के लिए, तो इसमें उसको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो कठिन नहीं है, सब लोग जप कर सकते हैं सुबह, अगर नया भी नहीं मान लीजिए, क्योंकि बहुत ठंडी है, कभी 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 बीमार हो जाते व्यक्ति, तो इसी मंत्र के लिए कोई नियम नहीं है। क्योंकि नारद ने जिज्ञासा किया ब्रह्मा जी से कि ये इस मंत्र जप करने के लिए क्या नियम है, क्योंकि हम जानते कि गायत्री मंत्र जप करने के लिए बहुत सारे नियम है, उसके लिए स्नान करना जरूरी है, शुद्ध वस्त्र पहनना जरूरी है, समय देश काला पत्र का विचार आता है गायत्री मंत्र जप करने में, परंतु इसी मंत्र में ये विचार नहीं आते। इसे ब्रह्मा जी ने कहा कि पवित्र अपवित्र कोई भी व्यक्ति ये मंत्र को जप कर सकते हैं। तो इसीलिए सुबह अगर स्नान नहीं हो पाया भी, तो आप हाथ और मुंह धोकर हरे कृष्णा जप कर सकते हैं। स्नान करना सबसे उत्तम है, तो अगर नहीं हो पाया तब मंत्र ये जप कभी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार तो अभी हम समाप्त करेंगे, क्योंकि सब लोग, तो किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो अभी पूछिए, नहीं तो हम और भी माला करेंगे। अभी कुछ संदेह है, और जिनको माला, जिनके पास माला नहीं है तो बाद में ले सकते माला, और उसमें उसके साथ जोड़ा भी है कि माला गंदा नहीं हो जाएगा, माला इधर उधर नहीं रख सकते, इसलिए हम जोड़ा रखते। लेकिन क्यों हम जोड़ा में रखते, क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे तो माला हमारे साथ जाएगा, कभी भी समय होगा तो जप करना है, हाथ धो के जप करेंगे। लैतरिन में नहीं जाना या ऐसे कहीं गंदा स्थान में, परंतु जहां हम जाते माला हमारे साथ, हमारा क्या है, संगी है, कंपेनियन, संगी, संग, संगत, संग, हमारा बेस्ट मित्र है कृष्णा है, और माला भी जिससे हम भगवान कृष्णा का नाम जप कर रहे हमारे साथ जाए, इसलिए जोला है। तो जिसको लेना है तो अभी कल भी करेंगे ऐसा, और दिन में हो सकते जब समय होगा हम जाप कर सकते हैं एक साथ, अगर समय होगा। ठीक है, कल अगर क्लास होगा हम बताएंगे सुबह जो हम जब कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलसी पूजा। तुलसी पूजा बहुत बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, क्योंकि तुलसी के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तुलसी की कृपा से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
हरे कृष्णा श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।